हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी हो गई थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में मेनली हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और जो सेट्स में जो ऑपरेशन पढ़े थे यूनियन इंटरसेक्शन वाले वही यूज हो रहे थे आपके। मेन जो आपका टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन है, रिलेशन जो है वो आपका सेकेंड एक्सरसाइज से शुरू होगा। देखो बेटा, जैसे रिलेशन वर्ड है, हमारे फैमिली रिलेशन भी होते हैं, मदर का रिलेशन है, फादर का रिलेशन है, सिस्टर का रिलेशन है। उसी तरह से अब हमारे आते हैं मैथ्स में इवन का, ओड का, लेस देन का, ग्रेटर देन का, तो इस टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे इवन वर्ड की बात आती है, किसी भी नंबर को इवन चेक करना है तो हम क्या करेंगे, टू से डिवाइड करके देखेंगे। मतलब ऐसा है कि आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, वो चीज़ होगी ठीक है, कोई नया कुछ नया नहीं लगा, लेकिन रिलेशन टॉपिक, रिलेशन फंक्शन जो आपने टेंथ तक नहीं पढ़ा। अब देखो बेटा, रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मेनली ये कहना क्या चाह रहा है, मैथ्स के अंदर बात कर रहे हैं। जिस तरह से नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल एन सेट लेते हैं, होल नंबर के लिए डब्ल्यू लेते हैं, वैसे हम रिलेशन के लिए आर लेंगे लेटर, और फंक्शन के लिए क्या ले लेंगे, एफ। इस तरह से देखो बेटा, जैसे आर है, आर को सेट ए से बी पे रिलेशन कब कहा जाएगा, रिलेशन दो पर्सन के बीच में होता है। उसी तरह से मैथ्स में भी रिलेशन दो नंबर्स के बीच में होगा। अब वो जो दो नंबर होंगे, दो एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट किस किस सेट से आएंगे उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये जो सेट है ना ए, पहले तो बात करें भी सेट ए और बी जो है, चाहे दोनों फाइनाइट सेट हो, चाहे दोनों इनफाइनाइट हो, चाहे एक सेट फाइनाइट हो एक इनफाइनाइट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेशन के अंदर किसी भी टाइप का सेट आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सेट हमने यहाँ लिखा ना आर, कह रहे हैं आर ए से बी, तो ए जो सेट है इस सेट को हम कहेंगे डोमेन। डोमेन यहाँ आर के अंदर रखने के बाद है, नॉर्मली कोई भी ए सेट तो वो तो ए सेट पढ़ा जाएगा, और जो इधर वाला सेट है ना उसे कहेंगे कोडोमेन। कोडोमेन ठीक है। अब जो सेट ए है जिसको आपने डोमेन कहा, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, परी इमेज। परी इमेजेज। और जो कोडोमेन होगा, जो इधर वाला सेट है, उसके एलिमेंट को क्या कहते हैं, या तो हम कहेंगे रेंज या हम कहेंगे इमेज। दो वर्ड यूज किए जाएंगे, रेंज या इमेज। अब देखो, जैसे मैंने लिखा आर सेट एक्स से वाई, तो हमारा डोमेन कौन है, सेट एक्स। कोडोमेन कौन है, सेट वाई। कोडोमेन जो सेट वाई है उसके एलिमेंट को क्या कहेंगे, रेंज या इमेजेस। और जो डोमेन है उसके एलिमेंट को क्या कहेंगे, परिमेजेस। यानी कि सेट आपके हर बार बदल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि आर को सेट ए से बी पे रिलेशन कब कहा जाता है। हम क्या करेंगे, डोमेन की कोडोमेन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डोमेन की कोडोमेन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अब आप अच्छे से याद करो, पिछले वीडियो में जो आपको बताया था, दो सेट की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका हर एलिमेंट किस में होता है, ऑर्डर्ड पेयर में। और जो रिलेशन वर्ड हम पढ़ रहे हैं, रिलेशन दो नंबर के बीच में होगा, यानी कि जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, वो एलिमेंट भी किस में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारे डोमेन का होगा, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो हमारे कोडोमेन का होगा। अब हम बात कर रहे थे कि आर सेट ए से बी पे रिलेशन कब बनेगा। हम अपने डोमेन की कोडोमेन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर आर उसका सबसेट बन जाए, अगर आर ए क्रॉस बी का डोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट कोडोमेन के साथ की अगर उसका सबसेट बन जाता है, तो आर को रिलेशन कहा जाएगा सेट ए से बी। अब इसका हम एग्जाम्पल भी करेंगे कि किस तरह से हमें सबसेट चेक करना है, लेकिन मेन बात मैं ये कहना चाह रही हूं कि दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट के का हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होता है, और आर अगर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा
तो आर के भी सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, और हर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, कोडोमेन का। अब देखो किस तरह से चेक करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे भी हमने एक सेट ले लिया ए, उसमें एलिमेंट डाल दिए मैंने 1 2 7। दूसरा सेट ले लिया बी, उसमें एलिमेंट डाल दिए 4 और 5। ठीक है, सेट को हम लिखते थे, सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते थे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे, वैसे ही जो आर हम लिखेंगे ना, रिलेशन जो लिखेंगे वो भी रोस्टर फॉर्म में भी लिखा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जाएगा। मैं लिख रही हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखा जाता है, देखो आर एक रिलेशन लिख रहे हैं, मतलब चेक करेंगे रिलेशन है या नहीं है। यहां मैंने लिखा एक्स वाई सच दैट, ध्यान से सुनो, जब किसी सेट की हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते थे तो हम लिखते थे एक्स सच दैट, क्योंकि वहां सेट के अंदर एलिमेंट सिंगल सिंगल होते थे। लेकिन अब आर एक रिलेशन है, रिलेशन दो नंबर के बीच में होता है, यानी कि रिलेशन के अंदर आने वाला हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होगा। एक्स वाई सच दैट, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर जाएंगे जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। देखो बेटा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, यानी कि एक्स तो ए में बिलोंग करेगा, वाई किस में बिलोंग करेगा, बी में, और इनके बीच में रिलेशन हम जो भी लेना चाहें, जैसे मैंने ले लिया एक्स लेस देन वाई। ध्यान से सुनना, टॉपिक नया है लेकिन आसान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऑर्डर्ड पेयर आर में जाएंगे जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का हो। हम चेक क्या कर रहे हैं कि सेट ए से बी पे आर रिलेशन है या नहीं है, यानी कि पहला एलिमेंट डोमेन का हो, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट कोडोमेन का हो, और ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा कि पहले वाला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट है उससे क्या होना चाहिए, लेस। अगर इस लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कहेंगे भी वो जो ऑर्डर पेयर है वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। चेक कैसे करना है, इधर देखो, हम बारी बारी डोमेन के एलिमेंट उठाएंगे और कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ उसका लेस देन वाला रिलेशन चेक करेंगे कि वो लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखो बेटा, हमने सेट ए का एलिमेंट उठाया 1, उसको हमने कंपेयर किया सेट बी के 4 से। हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1 4 पेयर आर में जाएगा कि नहीं जाएगा। वही पेयर आर के अंदर जाएंगे जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि डोमेन वाला एलिमेंट कोडोमेन वाले एलिमेंट से लेस होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, 1 लेस होता है किससे, 4 से। दूसरा, फिर हम 1 को कंपेयर करेंगे 5 से, तो 1 लेस होता है 5 से। सेट बी के कोडोमेन के एलिमेंट खत्म हो गए तो सेट ए का दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने 2, 2 लेस होता है 4 से, 2 लेस होता है 5 से। उसके बाद 7 को जब हम चेक कर रहे हैं तो 7 तो 4 से लेस नहीं होता और 7 तो 5 से भी लेस नहीं होता। यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी हमने सारे के सारे चेक कर ली। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि ए क्रॉस बी निकालो तो वो तो हम निकाल सकते हैं, पढ़ चुके, सेट ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो उस क्रॉस प्रोडक्ट में कौन कौन से पेयर जाएंगे, 1 4 1 5 2 4 2 5 7 4 7 5। ये आ गई हमारी ए क्रॉस बी। ये हमने क्यों लिखी, क्योंकि चेक तो इसी में करना है ना, सबसेट है या नहीं है। अब मैं लिख रही हूं आर, आपको ये बताना है कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस ए क्रॉस बी का 1 4 जो पेयर है ना, वो आर के अंदर जाएगा, रिलेशन में जाएगा, क्योंकि वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। रिलेशन की कंडीशन क्या थी, पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाला एलिमेंट से लेस होना चाहिए। ठीक है, भी 2 4 जो पेयर है वो भी आर में जाएगा, अगर हम 1 5 पेयर की बात करें वो भी आर में जाएगा, और 2 5 पेयर की बात करें तो वो भी जाएगा। इनके अलावा 7 4 और 7 5 आर में बिलोंग नहीं करेंगे। इस ए क्रॉस बी के ये 4 ऐसे और एलिमेंट हैं जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, ये जो हमने लिखा, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 4 पेयर
बिलोंग करेगा आर में। वन फोर पेयर आर का एलिमेंट है, क्यों है? क्योंकि वो रिलेशन की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। ठीक है, हम यू कहेंगे टू फोर बिलोंग्स टू आर, वन फाइव बिलोंग्स टू आर, टू फाइव बिलोंग्स टू आर, और पता है इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेवन फोर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सेवन फोर पेयर रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेवन फोर को फोर सेवन लिख दो, ये चीज हम पीछे पढ़ चुके कि आप अपनी मर्जी से किसी ऑर्डर पेयर का ऑर्डर नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ ऑर्डर बदलने का मतलब है फोर किसका हो जाएगा, सेट ए का। सेट ए में तो फोर एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन का होता है और दूसरा एलिमेंट किसका होता है, कोडोमेन का। ये बात मैं लिखने की बता रही हूँ कैसे, कि आप एक तो ऐसे लिख सकते हो इकट्ठे सारे के सारे, या इंडिविजुअली बता दो, वन फोर आर में जाएगा, टू फोर बिलोंग करेगा, वन फाइव करेगा, टू फाइव करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे वन बीच में आर और इधर फोर, पढ़ेंगे क्या, वन रिलेटेड है फोर से, किस रिलेशन से रिलेटेड है, लेस देन के रिलेशन से रिलेटेड है। अब देखो आपको चेक क्या करना था, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आर जो लेस देन का रिलेशन कंडीशन है वो सेट ए से बी पे रिलेशन है, तो तुमने इस आर को सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, कि तुम्हारा जो आर आया क्या वो डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है। अब सबसेट वर्ड जैसे ही आया तो ये भी सेट का ही टॉपिक है। आर को ए क्रॉस बी का सबसेट कब कहेंगे, जब आर के सारे ऑर्डर्ड पेयर किस में चले जाएं, ए क्रॉस बी में। कर लो चेक, आर के चारों ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस में बिलोंग करते हैं, यानी कि इसने रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो हम क्या कहेंगे, आर सेट ए से बी पे रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है, लेस देन का रिलेशन है। तो ये थी रिलेशन की डेफिनेशन। आपसे ये पूछ लिया जाए कि आर सेट ए से बी पे रिलेशन कब होगा, कब होगा, जब आर डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट का क्या बन जाए, सबसेट। रही बात रिलेशन की कंडीशन की, तो ये आपकी चेंज हो सकती है, लेस देन था यहाँ, ग्रेट देन आ जाए, इवन आ जाए, ओड आ जाए, किसी नंबर का डिविजिबल आ जाए, वो आपका हर बार चेंज होता रहेगा। लेकिन कोई भी रिलेशन थे आपको उसको चेक इस तरह से करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। आप सुनो, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ आर सेट एक्स से वाई पे रिलेशन कब होगा, आर सेट एक्स से वाई पे रिलेशन कब होगा, तब तुम भी बताओ हमारा डोमेन कौन है एक्स, कोडोमेन कौन वाई, तो आपको बताया था डोमेन और कोडोमेन जो सेट है वो आपके चेंज हो सकते हैं। तो आर को सेट एक्स से वाई पे रिलेशन कहा जाएगा अगर आर एक्स क्रॉस वाई का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। कई बार क्या लिखता है कि भी आर है ना वो डिफाइंड है सेट नेचुरल नंबर पे, सिर्फ एक ही नंबर लिखा उसने यहाँ पे नेचुरल नंबर। आर एक रिलेशन है डिफाइंड है किस सेट पे, नेचुरल नंबर पे। तो एक ही सेट देने का मतलब ये होता है कि हमारा डोमेन भी नेचुरल नंबर है और हमारा कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। दोनों सेट सेम हो सकते हैं, दोनों अलग हो सकते हैं, दोनों फाइनाइट हो सकते हैं, दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक फाइनाइट हो सकता है या एक इनफाइनाइट हो सकता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। मेन हमारी जो डेफिनेशन है वो है, अब आप बताओ जैसे आप यूं कहें कि भी आर अगर एन से एन पे रिलेशन है तो आप क्या चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि डोमेन कौन है, नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी कौन है, नेचुरल नंबर। तो आर डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है या नहीं है, हम ये चेक करेंगे। अगर आर एन क्रॉस एन का सबसेट बन जाता है तो आर एक रिलेशन होगा किस सेट के ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर। तो ये होती है हमारे रिलेशन की डेफिनेशन। अब जो रिलेशन के बारे में बताया, हम उस रिलेशन को दो तरह से लिख सकते हैं, तो बता ही दिया आपको, एक तो होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें जब वो लिखा था एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए वाई बिलोंग्स टू सेट बी, तो वो तो थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद कौन कौन उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, वहां से जो 1 4 1 5 2 4 2 5 आया वो हमारी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। एक फॉर्म और भी होती है जिसे हम कहते हैं एरो डायग्राम। देखो
जैसे सेट ए पीछे वाला ले रही हूँ मैं, 1 2 3 है, 1 2 7 है जैसे, और दूसरा सेट बी था हमारा 4 5, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए एक्स वाई सच दैट, वो ऑर्डर पेयर आर में जाएंगे जिसमें ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में बिलोंग करेगा सेट ए में, सेकंड एलिमेंट कोडोमेन में बिलोंग करेगा सेट बी में, और कंडीशन वही ले ली हमने लेस देन की। तो एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऐसे ओवल शेप में हमने ये तो सेट ए बना लिया और ये सेट बी बना लिया, इसके अंदर एलिमेंट डाल दो 1 2 7, इधर कौन कौन से एलिमेंट हैं 4 और 5, यहाँ बीच में आर लिखो और इस तरह से आर लगा देंगे कि आर ए से बी पे एक रिलेशन है, लेकिन एरो डायग्राम से उसको कैसे शो करेंगे। देखो बेटा आप कौन कौन से पेयर में गए थे, 1 4 पेयर गया था तो 1 4 से मिलेगा, 1 5 पेयर भी गया था क्योंकि 1 लेस है 4 से, 1 लेस है 5 से, 2 4 पेयर भी आर में था, 2 5 पेयर भी आर में था, 7 ना 4 से मिलेगा ना 5 से मिलेगा, क्योंकि 7 4 और 7 5 में से कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ये हो जाएगा एरो डायग्राम से शो करना। इस डायग्राम को देख के अगर आपको कोई यूं कहे कि इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो तो लिख सकते हो या नहीं, इधर का ये एलिमेंट उठा लो फर्स्ट, जिस जिस से मिला हुआ है ना उसके साथ ऑर्डर पेयर बना के आर में डाल दो, तो 1 4 के साथ मिल रहा है, 1 5 के साथ मिल रहा है, 2 4 के साथ मिल रहा है, 2 5 के साथ मिल रहा है, अब 7 ना 4 के साथ मिला ना 5 के साथ मिला, तो 7 4 और 7 5 वाला जो ऑर्डर पेयर है वो हम आर की रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये है कि रिलेशन को सेट बिल्डर, रोस्टर और एरो डायग्राम तीन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद देखो बेटा हमने डोमेन पढ़ा, रेंज पढ़ा, कोडोमेन पढ़ा, इमेज वर्ड पढ़ा, पर इमेज वर्ड पढ़ा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक कई बच्चे क्या करते हैं रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस नहीं कर पाते। इधर देखो एक एग्जांपल कर रहे हैं हम, उसमें हम ये इमेज पर इमेज डोमेन कोडोमेन सारे करते हैं। एक एरो डायग्राम बना लिया, यहां सेट ले लिया ए और ये सेट ले लिया हमने बी, यहां डाल दिया 1 2 3 4, यहां डाल दिया हमने 4 5 9, ठीक है। कोई भी कंडीशन लेना चाहो, लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर पर्टिकुलर एग्जांपल ही लेना चाह रहे हो तो ये करो 1 2 3 डाल के यहां पे डाल दो 7 और यहां 4 5 और यहां ले लो 6, और लेस देन रिलेशन की ही बात कर लो चलो, ठीक है। अगर लेस देन रिलेशन है आर सेट ए से बी पे तो कौन कौन किससे मिलेगा देख लो, अब तुम 1 4 से मिलेगा, 1 5 से मिलेगा, 2 4 से मिलेगा, 2 5 से मिलेगा, 3 4 से मिलेगा, 3 5 से मिलेगा, 1 6 से भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा 6 से, 3 भी 6 से मिलेगा, 7 किसी से नहीं मिलेगा। इन एलिमेंट्स को पढ़ना कैसे है, जब हम आर की रोस्टर फॉर्म लिखने लगे तो मैंने 1 4 पेयर लिखा, ठीक है, 1 4 1 5 1 6 आ रहेंगे, पढ़ोगे क्या आप, 1 की रेंज 4 है क्योंकि 4 किसका एलिमेंट है कोडोमेन का, और कोडोमेन के एलिमेंट को क्या कहते हैं रेंज या इमेजेज, 1 की रेंज 4 है, 1 की इमेज 4 है, और अगर यहां से पढ़ना शुरू करो तो 4 की परिमेज कौन है 1, क्योंकि अब ये 1 किसका एलिमेंट है डोमेन का, और डोमेन के एलिमेंट को क्या कहते हैं हमें परी इमेजेज, ठीक है। ये तो क्या इस तरह से बोलने का तरीका, अब रेंज और कोडोमेन की बात कर रहे थे हम, रेंज और कोडोमेन, देखो ये कंप्लीट सेट तो हमारा डोमेन होता है, अब रेंज और कोडोमेन की अगर बात करें तो यहां पर जो रेंज होता है ना रेंज वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, क्योंकि रेंज कोडोमेन के एलिमेंट से बनती है, रेंज कोडोमेन के एलिमेंट से बना हुआ सेट होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट रेंज में चला जाए और कोडोमेन में ना जाए। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कोडोमेन 4 5 6 है और रेंज भी हमारी 4 5 6 है, रेंज ऑफ रेंज 4 5 6 है, जैसे मैं यहां लिख दूं 10, तो पता क्या कहेंगे, कोडोमेन तो 4 5 6 10 सारे के सारे एलिमेंट है, लेकिन रेंज में कौन कौन है 4 5 6, यानी कि रेंज उन एलिमेंट्स का सेट होती है जो डोमेन से रिलेटेड होते हैं। अब 7 जैसे किसी से रिलेटेड नहीं है, उस लेस देन की कंडीशन को आप भूल जाओ एक बार, 7 जैसे किसी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे जो कंडीशन देखे हम 10 के साथ, तो 10
रेंज में नहीं जा सकता, टेन कोडोमेन में तो है लेकिन रेंज के अंदर नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है रेंज में और कोडोमेन में। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो सकते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि रेंज कोडोमेन से बड़ी हो जाए।